हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पसंद करेंगे इसको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है ब्रेड। तो ब्रेड का जो ये किनारा है इसको हम चाकू की मदद से निकाल देंगे। देखिए यह बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इसी तरीके से सारे ब्रेड के हम किनारा निकाल देंगे। देखिए आप चाहें तो ना निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है जैम। देखिए तो जो ये जैम है हम इसी ब्रेड के ऊपर लगाएंगे पहले। देखिए तो इसको हम इसी तरीके से दोनों ब्रेड में लगा देंगे और इसी तरीके से सारे ब्रेड को हम तैयार कर लेंगे। देखिए इसको अच्छे से लगा देना है ब्रेड के ऊपर, कहीं कोना खाली ना रहे, ताकि इसको बच्चे और अच्छे से खाएं। तो देखिए इसको हम इसी तरीके से सारे ब्रेड में हम लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से दोनों ब्रेड में लगा दिया है। अब ये ब्रेड है एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। देखिए तो इसी तरीके से सारे ब्रेड को हम तैयार कर लेंगे। अब इसको हम चाकू की मदद से फ्रेंड्स इसको हम चार पीसेस में काटेंगे। आप ना भी काटें तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए पर इसको क्यूट से छोटे छोटे मैं बनाऊंगी, तो इसीलिए हम चार पीसेस में काट रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से हम सारे ब्रेड को हम काट कर तैयार कर लेंगे। देखिए तो अच्छे से मैंने इसको काट लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा। तो देखिए इसी तरीके से सारे ब्रेड को हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मैंने सारे ब्रेड को तैयार कर लिया है। देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा। देखिए तो इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड को तैयार कर लिया है। देखिए इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये। तो देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिया है, देखिए जैम लिया है। देखिए सॉरी मैंने लिया है चॉकलेट सिरप। देखिए तो यहाँ पे हमने ये जैम वाला डिब्बा है, इसी में हम कटोरी में निकाल देंगे। देखिए तो इसी कटोरी में हम चॉकलेट को निकाल लेंगे। तो जो हमने ये देखिए जैम वाला ब्रेड बनाया है इसको हम इसी में डिप करेंगे। देखिए इसी तरीके से इसमें हम डिप कर देंगे सारे ब्रेड को। देखिए इसको अच्छे से कोट कर लेना है, थोड़ा बहुत बाकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर से जैम भी लगा हुआ है। तो इसी तरीके से सारे ब्रेड को हम तैयार कर लेंगे। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स हमने सारे ब्रेड को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमने लिया है कलर वाली, मैंने कैंडी ली है कलरफुल, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे ताकि और दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में तो है ही टेस्टी, क्योंकि ये चॉकलेट से बना हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए ये अच्छे से तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसको अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर दीजिएगा, ये बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे, आप भी पसंद करेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।